कपिल नगर थाना अंतर्गत आने वाले बाबा दीप सिंह नगर निवासी रितु प्रफुल्ल सहारे फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी और रितु का पति जहर पीकर अत्यावस्था में पड़ा हुआ था, जिस पर उपचार शुरू है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अमोल देशमुख द्वारा दी गई है। इस मामले की आगे की जांच कपिल नगर पुलिस कर रही है। रितु प्रफुल्ल सहारे उम्र 26 साल व प्रफुल्ल सहारे उम्र 30 साल, ये दोनों पति पत्नी कपिल नगर स्थित बाबा दीप सिंह नगर में रहते थे। दोनों पति पत्नी आज सुबह 10:30 बजे तक घर से बाहर नहीं आने पर प्रफुल्ल सहारे के भाई प्रशांत ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। घर के अंदर से किसी भी तरह से प्रतिसाद नहीं मिलने पर दरवाजा तोड़कर प्रशांत घर में घुस गए तो सामने का मंजर भयावह दिखा। रितु फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी तो भाई जहर पीकर अत्यावस्थ अवस्था में दिखाई दिया, जिसकी खबर कपिल नगर पुलिस थाने में दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो रितु सहारे इनका शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसके बाद प्रफुल्ल सहारे इन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। पुलिस द्वारा प्राथमिक जांच में यह जानकारी मिली है कि दोनों में सुबह झगड़ा हुआ था, उसी झगड़े से प्रफुल्ल ने अपनी पत्नी की हत्या कर खुद जहर पिया होगा, ऐसा संदेह व्यक्त किया जा रहा है। प्रफुल्ल सहारे का फिलहाल इलाज चल रहा है, जिस कारण किसी भी तरह की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो टप भरा और पानी जा रहा था तो मैंने लड़के को बोली, बेटा कुएं को पानी नहीं है, नल कब तक साथ देंगे अपने को, तो पानी कम खर्च करो, उसने बोल दिया उसको। उसके ऊपर से इतनी गाली बगी, इतनी गाली बगी। रितु प्रफुल्ल सहारे महिला वय वर्ष 26, तिने घरामध्ये रात्या घरामध्ये गळफास घेतलेला होता। प्रफुल्ल सहारे याचा श्वास चालू असल्याने त्याच्या कुटुंबातील लोक त्याला मेवला पुढील उपचारासाठी घेऊन गेले, तो सध्या बोलत नाही आहे, अत्यवस्थच आहे अजून। प्रफुल्ल सहारे या शुद्धीवर आल्यानंतर त्याच्याकडे चौकशी करून त्यानुसार पुढची घटना काय आहे त्याप्रमाणे कारवाई करेल। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपूर।